हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द लास्ट मिनट रिवीजन ऑफ एमकॉम आइडल सब्जेक्ट कॉस्टिंग एंड वी आर हियर टू रिवाइज दी कॉस्टिंग सम ऑफ़ द टॉपिक्स एंड वी विल बी डिसाइडिंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पॉइंट्स यू शुड स्टडी फॉर योर एमसीक्यू सी बेस एग्जामिनेशन तो किस तरीके से एम का हमको प्रिपरेशन करना है कॉस्टिंग आप लास्ट मोमेंट में कैसे रिवाइज करना है क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है क्या क्या चीज़ें आपके पेपर में पूछी जा सकती है सारी चीज़ों के बारे में आज के हमारे सेशन में डिस्कस करने वाले हैं तो लास्ट तक बने रहे और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपके फ्रेंड्स को भी आप इसको शेयर करोगे तो उनका भी लास्ट मिनट रिविज़न हो पाएगा तो अभी हम कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली exactly, uh, किस uh, तरीके से आपको पेपर में एम बन सकते हैं देखो एम तो पेपर में अलग अलग टाइप के आएंगे पेपर में एम सी से बनेंगे पेपर में एम आपके हर चैप्टर के बेसिक्स के ऊपर एम पूछे जाएंगे नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ कैन वी रिवाइज एवरीथिंग एट द लास्ट मोमेंट एंड विच आर द पॉइंट्स वी शुड कॉन्सेंट्रेट फॉर रिवाइजिंग द टॉपिक्स तो मैं क्या करने वाला हूँ आज के सेशन में हम थोड़े से हर एक चैप्टर का एक ओवरव्यू लेंगे जो पेपर से रिलेटेड हमारे रिलीवेंट टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और मैं आपको उसके रिलेटेड एक बेसिक बेसिक वीडियोस जो मैंने पहले बनाए थे वो भी इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ तो सिर्फ टाइम निकाल के सारी चीज़ें के एक बार ध्यान से देख लेना ताकि आपको एक ओवरऑल आपका आइडिया आ जाए कि, कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यूज में नाउ इन केस ऑफ अकाउंटेंसी एम सी क्यूज जब आपको अकाउंटेंसी में पूछे जाते हैं कॉस्टिंग हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो कोई भी आपका अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट हो तो बेसिकली चैप्टर uh, के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसके ऊपर एक तो एम सी क्यूज आते हैं एंड जो सेकेंड पार्ट है जिसमें एम सी क्यूज पूछे जाते हैं और जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं एंड दैट इज द न्यूमरिकल बेस एम सी क्यूज तो इसीलिए मैंने टाइटल दिया है अभी हाउ टू सॉल्व द न्यूमरिकल एम तो बेसिकली अगर हम न्यूमरिकल एमसीक्यूज की बात करें तो न्यूमरिकल एम को सॉल्व करने के लिए आपको टॉपिक का जो बेसिक है आपको जो चैप्टर का बेस है वो क्लियर होना चाहिए तो किस तरीके से एम सी क्यूज को रिवाइज़ करना है या किस तरीके से चैप्टर के बेसिक्स को रिवाइज करना है तो शुरू करेंगे आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन ऑफ टूडे वेयर वी आर गोइंग टू रिवाइज दी कॉस्टिंग एंड दिस विल भी हेल्पफुल फॉर ऑल दी आईडल स्टूडेंट्स वू आर अटेम्प्टिंग द पेपर ऑफ कॉस्टिंग टूमोरो तो उनके लिए सबके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है तो so, एक ओवरऑल एम सी क्यूज रिविजन करने से पहले अगर आप चैप्टर के बेसिक्स को रिवाइज कर लोगे तो एम सी क्यूज़ विल भी वेरी मच ईजी फॉर यू और मैंने बहुत सारे एम सी क्यूज के वीडियोज इस चैनल पर आपको मिलेंगे बहुत सारे uh, टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगे प्ले uh, लिस्ट में अवेलेबल है सारी चीज़ें वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं जैसे कि अगर दो टॉपिक्स की बात करें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के जो वीडियोज़ है वो मैंने काफ़ी वीडियोस uh, इस चैनल पे अपलोड करके रखे हैं टोटल टेन वीडियोस है टेन वीडियोस भी देख लोगे तो आपका पूरा का पूरा रिवीजन इजीली हो जाएगा लेकिन एक वीडियो में या आज के सेशन में किस तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर स्टार्ट विद द सेशन ऑफ टुडे एंड आई होप कि ऑल ऑफ यू विल बी विद मी टिल द लास्ट ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहे और जो भी आप क्वेरीज डालते रहेंगे कमेंट सेक्शन में मैं देखते रहूँगा तो कमेंट सेक्शन में डालते रहना ताकि मुझे भी एक्जैक्टली exactly पता चले कि आप मेरे साथ साथ आज के सेशन को रिवाइज कर रहे हो तो फिलहाल सबसे पहले अगर हम बात करें मार्जिनल कॉस्टिंग की तो देखो मार्जिनल कॉस्टिंग ये टॉपिक जो है ये आपके टी वाई में भी आपने कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग ये टॉपिक पढ़ा है ठीक है हम इसके ओवरऑल क्या करेंगे हम इसके ओवरऑल फार्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये जो फार्मूलाज है इफ़ यू रिवाइज ऑल दिस फार्मूलाज द होल टॉपिक विल बी रिलेटेड विद द फार्मूलाज ओनली इसके लिए एक सिंपल इक्वेशन आपको याद रखना है ध्यान रखना टी वाई में भी आपने किया था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट वी विल गेट वॉट वी विल गेट कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है पूरा का पूरा जो चैप्टर है इसी के ऊपर बेस है तो अगर हम हमारे सेल्स में से अगर हम हमारे वेरिएबल कॉस्ट को क्या करते हैं माइनस करते हैं तो वी गेट द आंसर एज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड फ्रॉम दिस कॉन्ट्रीब्यूशन इफ वी डिडक्ट फिक्स कॉस्ट हम क्या करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट के वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है दैट आंसर इज वॉट दैट आंसर इज प्रॉफिट काफ़ी सिंपल ठीक है सिंपल इक्वेशन है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट ठीक है ये इक्वेशन आपको याद रखना है बिकॉज ये पूरे चैप्टर का बेसिक इधर से ही शुरू होता है अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे से ऊपर कभी कभी क्या होता है हमें कुछ पॉइंट में प्रॉफिट दिया जाता है फिक्स कॉस्ट दिया जाता है तो कभी कभी हमको कॉन्ट्रीब्यूशन दिया नहीं जाता है तो अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन हमको नहीं दिया तो हम कैसे ढूंढेंगे प्रॉफिट में अगर हम फिक्स कॉस्ट को ऐड करते हैं तो वी गेट प्रॉफिट में अगर हम फिक्स को ऐड करेंगे तो वी गेट कंट्रीब्यूशन राइट एंड सिमिलरली कंट्रीब्यूशन में अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सेल्स मिलेगा ये काफी सिंपल है एंड आई होप कि दिस इक्वेशन इज क्लियर टू एवरी वन बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन योर टी वाई बीकॉम टीवाई बीकॉम में ये आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है तो ये पूरे चैप्टर का क्रक्स है जो भी आपका टॉपिक है वो पूरे चैप्टर का जो बेसिक क्रक्स है अगर वो बेसिक क्रक्स आपको समझ में आ गया तो काफी सिंपल हो जाएगा टॉपिक और इसी से एमसीक्यू बनने वाले हैं और किस तरीके से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो मैंने प्लेलिस्ट लिस्ट आप डाल दी है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है वहां से भी आप चेक कर सकते हो या चैनल पर जाइए प्ले लिस्ट जाइए सारी चीजें हो जाएगी लेकिन चैप्टर का बेसिक में सबसे पहले आपको ये सारी चीजें याद रखनी है

तो जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे वो भी आपको सॉल्व करने में आ जाएंगे तो कैसे होगा देखो अगर हम सबसे पहले बात करें सबसे पहले हमारा सबसे पहला फॉर्मूला क्या है पी वी आर वॉट इज पी वी आर पी वी आर का फुल फॉर्म है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो अगर हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की बात करें तो हाउ डू वी गेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमको कैसे मिलता है बहुत ही सिंपल है कॉन्ट्रीब्यूशन को अगर हम सेल्स से डिवाइड करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाय बाय हंड्रेड तो ये हमको पी परसेंटेज में आएगा लेकिन कभी कभी आपको ना दो ईयर्स दिए रहते हैं दो पीरियड्स दो ईयर्स तो अगर दो ईयरस दिए तो हम लोग पी कैसे ढूंढेंगे चेंज इन प्रॉफिट काफी सिंपल है कैसे ढूंढेंगे चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स कैसे ढूंढेंगे चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो यू विल गेट दी एंसर है हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन का रिलेशनशिप ढूंढ रहे सेल्स के साथ दैट इज दर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं ब्रेक ई वन पॉइंट ठीक है B B e P, जिसको हम बीईपी e बोलते हैं अभी ब्रेक ई वन पॉइंट दो तरीके से कैलकुलेट होता है एक होता है ब्रेक ई वन पॉइंट इन रूपीज और एक होता है ब्रेक ई वन पॉइंट इन यूनिट्स तो ब्रेक इन पॉइंट इन रूपीज का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर क्या है क्या फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट को हम क्या करेंगे पीवीआर से डिवाइड कर लेंगे अगर हम बीपी यूनिट्स की बात करें तो अगर हम क्या करेंगे बीपी यूनिट्स में फाइंड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा सिंपल है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट तो ध्यान रखना है आपको वेनेवर एवर एनी पॉइंट वेर यूनिट्स आस्क जब भी हमको यूनिट्स पूछा जाएगा तब हमको क्या करना है डिनोमिनेटर में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना है क्या करना है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना है तो दीज आर द टू फार्मूलाज एंड आई होप कि दिस टू फार्मूलाज में आपका थोड़ा सा रिविजन हुआ रहेगा नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज एम ओ एस एम ओ एस का क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढने के लिए दो फॉर्मूलाज है अब कोई भी फार्मूला से आंसर ढूंढोगे तो सेम आएगा फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर पहला फार्मूला या फिर कोई कोई उसको दूसरे फार्मूला से भी कैलकुलेट करता है दूसरा फॉर्मूला है हमारा एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स ठीक है जो ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर आया है वही हम लोग लेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द थर्ड फॉर्मूला हाउ डू वी कैलकुलेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पी वी आर और एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स सो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला जिससे आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सारे सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगा बिकॉज मार्जिनल कॉस्टिंग ऑफ टीवाई में पढ़ो या एमकॉम में पढ़ो मार्जिनल कॉस्टिंग तो मार्जिनल कॉस्टिंग ही रहेगा लेकिन ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है इसका बेसिक क्रक समझो इफ यू रीड ऑल द एम सी क्यूज विच आर गिवन इन योर बुक आपके बुक्स के पीछे जितने भी एम सी क्यूज पढ़े हैं आपके सारे के सारे पढ़ लोगे फिर पेपर में आपको कोई दूसरे एम सी क्यूज मिलेंगे और आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन एम सी क्यूज ट्राई टू स्टडी द बेसिक्स ऑफ द टॉपिक तो ये जो हमारा थर्ड फॉर्मूला था दैट इज कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा तीसरा फॉर्मूला अगर हम हमारे फोर्थ पॉइंट में जाएंगे अगर हम हमारे फोर्थ पॉइंट में जाएंगे फोर्थ पॉइंट क्या होता है कभी कभी आपको कैलकुलेट करने बोलते हैं कैलकुलेट कैलकुलेट प्रॉफिट क्या बोलते हैं कैलकुलेट प्रॉफिट लेकिन आपको सेल्स दिया रहता है तो मैं आप यहां पे लिख रहा हूं कैलकुलेट प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज गिवन ठीक है दे विल गिव यू सेल्स एंड दे विल टेल यू की प्रॉफिट ढूंढो ठीक है क्या बोलेंगे कैलकुलेट सेल्स वैन प्रॉफिट कैलकुलेट प्रॉफिट सेल्स इज गिवन अभी हम लोग क्या ढूंढने वाले प्रॉफिट ढूंढने वाले ठीक है भाई दोनों चीजें आपको बताता हूं और नंबर फिफ्थ जो है कैलकुलेट करना है सेल्स क्या कैलकुलेट करना है कैलकुलेट सेल्स वेन प्रॉफिट इज गिवन दो चीजें हैं एक तो प्रॉफिट ढूंढने बोलेंगे या एक तो सेल्स ढूंढने बोलेंगे दो में से एक चीज आपको कैलकुलेट करनी है अगर हमें सेल्स ढूंढने बोलेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड सेल्स कोई कोई उसको डिजायर्ड सेल्स भी लिखता है देखो मतलब वही है कैलकुलेशन सिर्फ आपको करना है रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पी ठीक है लेकिन यहां पे कभी कभी यूनिट्स आ जाता है तो मैंने आपको बताया जब भी यूनिट्स पूछा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर लेंगे दैट विल बी द रिक्वायर्ड सेल्स तो रिक्वायर्ड सेल्स विल बी फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवीआर इफ यूनिट्स इज देन वी विल सब्सिट्यूट द डिनोमिनेटर पी वी आर निकल के कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख देंगे अभी हमको क्या ढूंढना है प्रॉफिट ढूंढना है प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पी वी आर माइनस फिक्स कॉस्ट ठीक है फॉर्मूला क्या होगा प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर माइनस फिक्स कॉस्ट ठीक है और कभी कभी क्या होता है आपके क्वेश्चन में ना फिक्स कॉस्ट मिसिंग होता है क्या होता है फिक्स कॉस्ट मिसिंग होता है तो फिक्स कॉस्ट कैसे ढूंढेंगे यही फॉर्मूला आपको यूज करना है फिक्स कॉस्ट इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर माइनस प्रॉफिट तो अगर आप ये फार्मूला से कैलकुलेट करो तो आपको फिक्स कॉस्ट आ जाएगा और अगर आप ये प्रॉफिट वाले फार्मूला से करो तो आपको उसमें प्रॉफिट कैलकुलेशन मिल जाएगा तो ये चैप्टर का बेस है ठीक है दिस इज़ द बेस ऑफ द टॉपिक आई होप दिस फार्मूलाज आर क्लियर टू एवरी वन सो आई हैव रिवाइज एवरी फार्मूला ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग तो मार्जिनल कॉस्टिंग में ये सारे फार्मूलाज यूज़ होते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे न्यूमरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके लिए मैंने पूरा एक सीरीज बना के रखा है मार्जिनल कॉस्टिंग का सीरीज uh, वन से लेके सीरीज फाइव टेन उसके वीडियोज है टोटल फाइव वीडियोज है और सिमिलरली आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के भी वीडियोज़ है बजट के भी वीडियोज़ है लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं आज हम एक ओवरऑल ब्रशअप लेंगे या ओवरऑल ब्रशअप देंगे पूरे चैप्टर के बेसिक्स को तो आई होप कि आपको ये मार्जिनल कॉस्टिंग के जितने भी फॉर्मूलाज मैंने अभी आपको रिवाइज किए हैं वो आपको क्लियर रहेंगे अभी इसके बाद ये जितना हमने रिवाइज कर लिया अभी आर ऑल द फॉर्मूलाज अभी इसके बाद आपको एक रिकॉर्डेड सेशन में इसके साथ अटैच कर रहा हूँ तो ये रिकॉर्डेड सेशन में अभी आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ तो वो रिकॉर्डेड सेशन ध्यान से देख ले वो रिकॉर्डेड सेशन में आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का पूरा बेसिक्स मिलेगा और वो रिकॉर्डेड सेशन होने के बाद आपका ये पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग क्या हो जाएगा रिवाइज हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर ले कि आपको अभी तक जितनी बातें मैंने बताई है वो क्लियर है इफ इट इज क्लियर टू एवरी वन जस्ट टाइप इन द चैट सेक्शन एज क्लियर एंड जस्ट वॉच दिस मार्जिनल कॉस्टिंग रिकॉर्डेड पार्ट विच आई रिकॉर्डेड फॉर ऑल ऑफ यू और वो अभी मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ तो वो देख लेना एक बार वो देखने के बाद फिर हमारे अगले टॉपिक में जाएंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और अब अगर आप ये पूरे चैप्टर को डिटेल में देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोज इस चैप्टर चाप, से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे प्ले में अवेलेबल है सभी कुछ अवेलेबल है तो ज़्यादा कैल्कुलेशन पे फोकस ना करें सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक्स के ऊपर फोकस करें तो हम अभी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को लेके तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अभी हम देखेंगे पहले रिकॉर्डेड सेशन देख लेना उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को डिस्कस कर लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग देखो मार्जिनल का मतलब होता है वेरिएबल आपने सेमिस्टर फाइव में दो टाइप के कॉस्ट पड़े होंगे में द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज वेरिएबल द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट तो दिस चैप्टर बेसिकली फोकस मोर ऑन द वेरिएबल कॉस्ट तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है दैट इज अ टेक्निक इज अ टेक्निक ऑफ़ कंट्रोलिंग बाई ब्रिंगिंग आउट रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिट एंड द वॉल्यूम तो प्रॉफिट और वॉल्यूम के बीच का जो रिलेशनशिप है ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक यूज करते हैं हम प्रॉफिट का रिलेशनशिप फाइंड करते हैं हमारे सेल्स के साथ इसके लिए हम कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन अभी क्या नया कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है आप अगर दस रुपए का एक प्रोडक्ट बेचते हो तो उसमें आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना लगता है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना लगता है उसके बाद हम प्रॉफिट वॉल्यूम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं वी आर फाइंडिंग आउट द पी प्रॉफिट वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड देन वी आर डिडक्टिंग द फिक्स कॉस्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द मेन पॉइंट ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू द प्रोडक्ट तो बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू द प्रोडक्ट वेरिएबल कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट जो सेलिंग प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होने के साथ वो भी कॉस्ट इंक्रीज डिक्रीज होता है फिक्स कॉस्ट ऐसा कॉस्ट होता है जो सेल से रिलेटेड नहीं होता वो कॉस्ट हमेशा फिक्स रहता है जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी दिया था जिसके लिए फिक्स कॉस्ट के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है रेंट अगर हम घर में रहते होंगे रेंट पे हमने अगर घर लिया है और अगर हम घर पे रहते हैं तो हमें रेंट भरना ही है अगर हम कुछ मंथ्स के लिए बाहर जाते हैं तो भी हमें रेंट भरना ही पड़ता है तो दैट इज़ वाइट इट इज़ कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट इफ़ यू सी द वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में हम क्या करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करें तो उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है सेल्स का कमीशन सेल्समैन का कमीशन अगर टेन परसेंट मैंने रखा है तो टेन थाउजेंड अगर आप सेल करोगे तो भी सेलिंग सेल्स uh, के ऊपर कमीशन टेन परसेंट है तो टेन थाउजेंड का टेन परसेंट वन थाउजेंड आ जाएगा अगर हम सेल्स को बढ़ाते हैं ट्वेंटी थाउजेंड कर देते हैं तो सेल्स मैं कमीशन तो टेन परसेंट ही है लेकिन ट्वेंटी थाउजेंड पर अभी टेन परसेंट टू थाउजेंड आ जाएगा मतलब जैसे जैसे सेल्स बढ़ता है वैसे वैसे ये कॉस्ट बढ़ती है जैसे जैसे सेल्स कम होता है वैसे वैसे ये कॉस्ट कम होती है उसे हम वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे जानते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट आर टू इंपॉर्टेंट कॉस्ट बट बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर मोर फोकसिंग ऑन द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप जिसमें हम पी वी आर पी वी आर एक वर्ड काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर में पी वी आर का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है इस मार्जिनल कॉस्टिंग का जो हम आगे धीरे धीरे करके सीखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपको याद रखना है दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन यू कैन सोल्व एन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो देखो कैसे करना है से फॉर एग्जाम्पल मैं सेल्स की वैल्यू लेता हूँ टेन थाउजेंड सेल्स मैंने अज्यूम किया टेन थाउजेंड ताकि आपको समझ में आ जाए सेल्स इज टेन थाउजेंड सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं से फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल कॉस्ट है हमारा सिक्स थाउजेंड तो सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी वैल्यू मिलेगी फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड को इस चैप्टर में क्या नाम देना है हमको इस चैप्टर में हमको इसको नाम देना है कंट्रीब्यूशन तो सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन तो कंट्रीब्यूशन कैसे मिलता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमें मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन में से फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं कि आपका फिक्स कॉस्ट वन है फोर थाउजेंड माइनस वन थाउजेंड करेंगे तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा थ्री थाउजेंड तो कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है हमें मिलता है प्रॉफिट एंड दिस प्रॉफिट इज द फाइनल आंसर और आपको इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट याद रखना है जो मैंने यहाँ पे दिया है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है देखो सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है तो इक्वेशन क्या बनेगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अगर मैं आपको बोलूँ कि कॉन्ट्रीब्यूशन ढूंढना है तो आप बोलेंगे कैसे ढूंढना है सर कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा बराबर है और दूसरी तरीके से भी कॉन्ट्रीब्यूशन ढूंढ सकते हैं प्रॉफिट में अगर हम फिक्स कॉस्ट को ऐड करें देखो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट ठीक है देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट सेल्स हमारा कितना है टेन थाउजेंड है वेरिएबल कॉस्ट कितना है सिक्स थाउजेंड है तो हमको कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा फोर थाउजेंड ये दूसरा तरीका प्रॉफिट तरीका, कितना है हमारा थ्री थाउजेंड है प्लस फिक्स कॉस्ट कितना है वन थाउजेंड है तो फिक्स फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को अगर हम ऐड करेंगे तो दैट इज ऑल्सो फोर थाउजेंड तो बोथ द मेथड्स वी कैन कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फॉर्मूलास कोई भी फॉर्मूला से आप कोई भी आंसर तक जा पाओगे इसलिए फॉर्मुलाज ध्यान रखने के लिए ये इक्वेशन याद रखना है आई होप कि आपके यहाँ इक्वेशन क्लियर हुआ रहेगा इक्वेशन क्या है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यू विल गेट द आंसर एज कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट यू विल गेट द आंसर एज प्रॉफिट एंड द इक्वेशन विच यू हैव टू रिमेंबर इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज यही इक्वेशन से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच यू हैव टू रिमेंबर आगे बढ़ते हैं तो सम फॉर्मूलाज है आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूलाज है ध्यान से इसको पढ़ते रहना और जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे उतने आपको फॉर्मूलाज याद रहेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फॉर्मूला है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला क्या है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू हंड्रेड देखो पीवीआर कैसे ढूंढते हैं कंट्रीब्यूशन कैसे ढूंढते अभी मैंने आपको बताया था कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा तो पी का फॉर्मूला क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन को अगर हम सेल्स से डिवाइड करेंगे और ये परसेंटेज में आता है इसलिए इनटू हंड्रेड करना है फिर कॉन्ट्रीब्यूशन ढूंढने का दूसरा तरीका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेल्स इनटू हंड्रेड बात यही है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो आंसर तो कॉन्ट्रीब्यूशन ही आएगा लेकिन कभी कभी क्या होता है पी कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में हम कभी कभी दूसरा फार्मूला यूज करते हैं वैन वी आर गोइंग टू यूज द सेकेंड फार्मूला तो वहाँ पर आपको याद रखना है जब आपके क्वेश्चन में दो साल दिए रहेंगे टू ईयर्स दिए रहेंगे टू पीरियड्स दिए रहेंगे तो वी हैव टू यूज द सेकेंड फार्मूला एंड द सेकेंड फार्मूला इफ टू ईर्स आर गिवन चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई चेंज इन सेल्स इन टू हंड्रेड फिलहाल आप सिर्फ फार्मूला को याद रखें हम हर एक टाइप के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर दोज फार्मूलाज विच वी आर लर्निंग नाव

और बीपी यूनिट्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ध्यान रखना इस चैप्टर का एक सिंपल रूल आपको बता के रखता हूं जहां पे भी यूनिट्स की बात करेंगे जहां पे भी यूनिट्स की बात की जाएगी वहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा ठीक है यूनिट्स अगर पूछेंगे तो डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से और अमाउंट अगर पूछेंगे तो डिवाइड करना है पीवीआर से दैट इज द सेकंड फॉर्मूला थर्ड इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के भी दो फॉर्मूलाज है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला जो फर्स्ट फार्मूला है एम के बेसिस पे एम इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स दैट इज द फर्स्ट फार्मूला एंड द सेकेंड फार्मूला इज एम ओ एस इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पी वी आर तो प्रॉफिट को अगर हम पी वी आर से डिवाइड करेंगे तो भी आएगा तो अभी आप कहेंगे सर कौन सा फार्मूला कब यूज करना है तो ये दोनों फार्मूलाज आप कभी भी यूज कर सकते हैं एनी फार्मूला यू कैन यूज एनी फार्मूला यू कैन यूज अगर प्रॉफिट दिया रहेगा तो यूजअली हम सेकेंड फार्मूला यूज करते हैं दोनों फॉर्मूला से जो हमको आंसर मिलता है वो सेम ही मिलता है तो यूजअली वी आर यूजिंग द सेकेंड फार्मूला नॉर्मली कभी कभी फर्स्ट फार्मूला भी हम यूज करते हैं तो मैं आपको दोनों फार्मूलाज से कैलकुलेशन सिखाऊंगा अगर दोनों फार्मूला से आंसर सेम आता है दैट मीन्स यूर आंसर इज राइट फर्दर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे फोर्थ फार्मूला है हमारा फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने का फिक्स कॉस्ट

तो यहां पे फिक्स कॉस्ट लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है कभी कभी आपको क्वेश्चन में सेल्स पूछा जाता है रिक्वायर्ड सेल्स सेल्स डिजायर्ड तो इफ डिजायर्ड सेल्स इज आस्क और रिक्वायर्ड सेल्स इज आस्क दिस इज द पॉइंट रिक्वायर्ड सेल्स फॉर्मूला बनता है फिक्स कॉस्ट प्लस पीवीआर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि फोकस ऑन दूनिट्स इफ यूनिट्स आर आस्ट टू यू डिड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर आपको यूनिट्स पूछा है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करो और अगर आपको अमाउंट पूछा है तो पीवीआर से डिवाइड करो ये जो छ फॉर्मूलाज है इसी पे पूरा आपका कैलकुलेशन बनेगा एक थोड़ा सा रिविजन देखो सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या मिलता है प्रॉफिट मिलता है ठीक है अभी एक एग्जाम्पल सॉल्व करवाता हूं तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड वी वीन नाउ चलो क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं सारी चीजें करेंगे एक एक करके अ प्रोडक्ट इज इज सोल्ड फॉर पर यूनिट इट्स वेरिएबल कॉस्ट सिक्स एंड फिक्स कॉस्ट इज ट्वेंटी थाउजेंड कैलकुलेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बी पी रूपीज एंड यूनिट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट ऑफ फोर्टी थाउजेंड रिक्वायर टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रूपीजन लाइक सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको इक्वेशन लिखना है sales minus variable cost, that is, contribution. इतना लिखना है पहले बाकी का लेस फिक्स कॉस्ट वगैरह नहीं लिखना है बिकॉज दिया है और यहां पर अमाउंट दिया है तो so, सेल्स देखो कितना रूपीज टेन वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे दिया है सिक्स तो यहाँ पे मैंने लिखा है सिक्स तो टेन माइनस सिक्स करेंगे तो कितना आएगा फोर आएगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी फोर तो कॉन्ट्रीब्यूशन हमको आया फोर ध्यान से सॉल्व करना है इसको यहाँ पे अगर कुछ भी गलत कर दोगे तो आगे आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा ठीक है सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला क्या बोला है पी वी आर उ डू वी कैलकुलेट पी वी आर कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड कॉन्ट्रीब्यूशन को अगर सेल्स से डिवाइड करेंगे इंटू हंड्रेड करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना मिला फोर डिवाइडेड बाय टेन मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तो आंसर विल बी फोर्टी परसेंट तो फोर्टी परसेंट आपका पी वी आर है वेरी इजी कैलकुलेशन वेरी सिंपल कैलकुलेशन सिंपल चीज ही हमेशा गलत होती है और इस पूरे चैप्टर में अगर आपने पीवीआर को गलत कर दिया तो आगे आपके सही क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएंगे आगे के सारे कैलकुलेशन आपके गलत हो जाएंगे तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं तो क्वेश्चन मैंने सामने रखा है आपके यही क्वेश्चन है पीवीआर तो हमने कैलकुलेट कर लिया चलो इधर मैं लिख लेता हूँ पीवीआर हमारा हो चुका है क्या था फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स टू रेड फोर डिवाइडेड बाय टेन टू रेड कितना परसेंट हमारा पीवीआर आया आर आ चुका है फोर्टी परसेंट ठीक है आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट में सेकंड पॉइंट क्या है बीपी बीपी पीस रुपीज का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर तो एक बार चेक कर लेते हैं कितना है फिक्स कॉस्ट हमारा फिक्स कॉस्ट है ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है फिक्स कॉस्ट देख लेते एक बार फिक्स कॉस्ट कितना है ट्वेंटी थाउजेंड सब्सटीट्यूट कर रहा हूं यहाँ पे ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइडेड करना है आपको ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइड करना है फोर्टी और परसेंटेज का साइन आपको प्रेस करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा रुपीजी थाउजेंड दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज अभी हम ढूंढेंगे बीपी यूनिट्स में चलो बीपी यूनिट्स में भी ढूंढ लेते बी पी यूनिट क्या है फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ठीक है हमको कंट्रीब्यूशन कितना मिला था एक बार देख लेते हैं देखो अभी हमने सॉल्व किया था कंट्रीब्यूशन था फोर चलो सब्सट्रीट्यूट कर लेंगे फिर फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा फिक्स कॉस्ट है हमारा ट्वेंटी थाउजेंड और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है कितने यूनिट्स आएंगे फाइव थाउजेंड आगे लिखना है यूनिट्स ध्यान से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन बीपी रुपीज एंड बीपी यूनिट्स बोथ वी कैलकुलेटेड लेट अस सी फर्दर व्हाट इज आस्क Further, आगे आपको पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट ऑफ फोर्टी थाउजेंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट ऑफ जब भी ऐसा पूछेंगे एट अ प्रॉफिट ऑफ तो एस का जो सेकेंड फॉर्मूला है वो यूज करना है प्रॉफिट दिया रहेगा तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हम यूज करेंगे चलो वो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं पीई हो चुका है हमारा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट थर्ड एमओ एस इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय की वी आर कितना दिया था प्रॉफिट एक बार चेक कर लेंगे प्रॉफिट दिया था फोर्टी थाउजेंड आगे बढ़ते हैं, फिर प्रॉफिट को सब्सटीट्यूट करते हैं प्रॉफिट दिया है फोर्टी थाउजेंडर कितना पी आर है हमारा फोर्टी परसेंट फोर्टी थाउजेंड को आपको करना है। है, है, कितना मिलेगा? आ आ गया, margin of आ चुका ठीक यही फॉर्मूला यूज करेंगे प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तो फिर वो सब फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे लास्ट पॉइंट ढूंढ लेते हैं फोर्थ नंबर एक बार चेक कर लेते हैं क्या पूछा है लास्ट पॉइंट में लास्ट पॉइंट में हमको पूछा है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज वन लैख सेल्स रिक्वायर्ड ठीक है क्या पूछ रहा है सेल्स रिक्वायर्ड पूछ रहे तो रिक्वायर्ड सेल्स रिक्वायर्ड सेल्स इफ प्रॉफिट पीस वन लैख फॉर्मूला काफी इजी है ध्यान रखना फॉर्मूला है रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय की वी आर क्या था हमारा फिक्स कॉस्ट ट्वेंटी थाउजेंड प्रॉफिट कितना वन लैख उन्होंने दिया है और प्रीवियर कितना है हमारा फोर्टी परसेंट कैलकुलेट करो वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड को डिवाइड करो फोर्टी परसेंट आंसर मिल जाएगा रुपीज थ्री लैक्स तो आई होप ने आपने सारे चीज़ें प्रॉपरली देख ली होगी मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो गए रहेंगे इसके रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने एम सी क्यू बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करवाए हैं वो भी वीडियोज आप देख सकते हो ताकि आपका पूरा सब कुछ रिवाइज हो जाए और आज का ये सेशन ज़्यादा लेंदी ना बढ़े बिकॉज आपको भी अपना प्रिपरेशन करना है अगर हम हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें ठीक है मैं एकदम नॉर्मल कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ अगर हम हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें तो टॉपिक का नाम क्या है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ठीक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के टोटल मैंने दस वीडियोज़ बनाए हैं और 10 वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं है फाइव फाइव सेवन सेवन मिनट्स के हैं या 10 मिनट्स के रहेंगे मैगजिमम अगर आपको ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बिल्कुल भी नहीं आता है लगता है कि मुझे ये रिवाइज करना चाहिए तो 10 वीडियोस की सीरीज़ देख लो आपका पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्लियर हो जाएगा अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें तो मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ इसमें हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है मटेरियल वेरिएंसेस ठीक है एंड हम इसमें कैलकुलेट करते हैं हमारे लेबर वेरियंसिस क्या कैलकुलेट करते हैं मटीरियल वेरियंसिस एंड लेबर वेरियंसिस ठीक है इसका भी मैं आपको एक रिकॉर्डेड पार्ट प्ले करने वाला हूँ पहले हम नॉर्मल फार्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं फिर उसमें मटीरियल ईल्ड लेबर ईल्ड वो वाला आपको रिकॉर्डेड पार्ट में मिल जाएगा एक नॉर्मल का पार्ट है ताकि सभी बच्चों को समझ में आए और जिनको ये कन्फ्यूजिंग लगता है आज के बाद नहीं लगेगा ठीक है सबसे पहले मटेरियल वेरिएंसेस में हमारे जो नॉर्मल वेरिएंसेस है एक है मटेरियल प्राइस वेरिएंस बहुत ही सिंपल है एक है मटेरियल यूसेज वेरिएंस ठीक है और तीसरा क्या है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस नाउ पीपल फाइंड दिस डिफिकल्ट पीपल सेज दैट कि सर ये फार्मूला हमको याद नहीं रहते ये फार्मूलाज कैसे याद रखे मटेरियल प्राइस वेरियंस यूसेज वेरियंस बीच में इधर उधर सब चले जाता है कैसे याद रखें ठीक है मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताऊंगा ध्यान से समझना अभी ये समझ गए तो ये फॉर्मूला याद हो जाएंगे आज के बाद कभी भी आपको फॉर्मूलाज बाहट नहीं करना पड़े लेबर वेरियंसेस की बात करें तो लेबर वेरियंसेस में वी हैव लेबर रेट वेरियंस नंबर फर्स्ट नंबर सेकेंड इज लेबर एफिशियंसी वेरियंस एंड नंबर थर्ड लेबर कॉस्ट वेरियंस नाउ पीपल डू वॉट वो लोग बहेड कर लेते हैं मटेरियल प्राइस वेरियंस स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस ऐसा सब कुछ बहेड कर लेते हैं बहुत ही सिंपल है यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको प्राइस दिख रहा है ठीक है तो आपका फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी ठीक है क्या फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी राइट बहुत ही सिंपल है फिर मटेरियल यूसेज यूसेज का मतलब होता है क्वांटिटी क्या होता है क्वांटिटी ठीक है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस काफी सिंपल देखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है तो ब्रैकेट में प्राइस आएगा दो टाइप के प्राइस होते हैं स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूसेज का मतलब क्वांटिटी है तो ब्रैकेट में क्वांटिटी आएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में हम क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं देखो बहुत ही सिंपल है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस एक ब्रैकेट में आएगा माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस जरूरत है कुछ बाहेड करने की पीपल बाहेड दिस फॉर्मूला तो अगर आप ये बाहर करोगे तो लास्ट मोमेंट में किधर एक्चुअल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाएगा और भूल जाओगे तो मटेरियल वेरिएंसेस में हमारे पास मेजर जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो तीन है ठीक है मटेरियल ईल्ड और मटेरियल मिक्स भी है वो मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन जो मैंने रिकॉर्ड किया आपके लिए उसमें भी बताऊँगा तो मटेरियल प्राइस वेरियंस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस एक ब्रैकेट में एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस दूसरे ब्रैकेट में अभी आया लेबर वेरियंस तो तीन फार्मूला से आप छह फार्मूला को याद रख सकते हैं देखो बहुत ही सिंपल लेबर में क्या करना है हमको जहां पे आपने प्राइस के लिए पी लिखा है पी को निकाल देना है आर लिखना है और जहां पे आपने Q लिखा है क्वांटिटी का Q को निकाल देना है और H लिखना है क्या लिखना है सब्सटीट्यूशन ध्यान से समझना सब्सटीट्यूशन क्या है P को निकाल के R लिखना है Q को निकाल के H लिखना है देखो यही फॉर्मूला मैं कॉपी कौप, करूंगा लेकिन सिर्फ सब्सटीट्यूशन चेंज करूंगा लेट ऑफ नाउ लेबर रेट वेरियंस एस पी के जगह पे स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल आर्स ठीक है लेबर एफिशिएंसी लेबर एफिशिएंसी यही फॉर्मूला कॉपी करना है क्यू को निकल के एच लिखने का स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट ठीक है लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड आर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट क्लोज माइनस एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट डन कितना सिंपल है आई होप कि आपको ये फॉर्मूलाज कैसे याद रखने वो कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा अगर ये आपको सबको कंसेप्ट क्लियर है तो जस्ट टाइप इन द चैट सेक्शन आई एम रीडिंग ऑल योर कमेंट्स तो कमेंट्स में टाइप करते रहे मुझे भी पता चले आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है समझ में आ रहा है इससे आपका एक रिविजन हो पा रहा है तो हमने अभी मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट डिस्कस किया हमने अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कुछ बेसिक छः फॉर्मूलाज को डिस्कस किया बिकॉज इफ यू सी द टॉपिक ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग द टू टाइप ऑफ आर बिकॉज वेरियंसिस चैप्टर में आपको इस एम सी क्यूज जो पूछे जाएंगे उसमें आपको ये फॉर्मूला से काफी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं और पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बेस ही इधर से शुरू होता है एंड दैट इज पार्ट ऑफ मटीरियल वेरियंसिस एंड लेबर वेरियंसिस तो मटीरियल वेरियंसेस हमने पढ़ा लेबर वेरियंसेस हमने पढ़ा अभी आप को एक मैं रिकॉर्डेड सेशन इसके बाद प्ले कर रहा हूँ जिसमें हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बेसिक्स को समझेंगे और उसके साथ आपका ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिक्स को समझ लिया मार्जिनल कॉस्टिंग का आपको एक वीडियो मैंने दिखा दिया सिमिलरली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को समझ लिया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के का वीडियो आपको दिखा रहा हूँ तो वो भी एक बार देख लेना फिर बजट के जो भी मैंने वीडियोज प्रिपेयर किए हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ ताकि ओवरऑल आपको पॉइंट्स इससे क्लियर हो जाएंगे हेलो एवरी वेलकम बैक तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड टॉपिक तो आई होप यू हैव इन्जॉयड द फर्स्ट टॉपिक विच वी हैव लर्न मार्जिनल कॉस्टिंग ऑल द वराइटीज वी हैव कवर्ड एंड आई हैव ऑल्सो सेंड यू समिस क्वेश्चन पी डी एफ सो ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन केयरफुली सो दैट यू वील बी इन टच विद द चैप्टर एंड विच विल ऑल्सो हेल्प यू टू रिवाइज वॉट एवर वी हैव सीन इन द वीडियोज तो मैंने काफ़ी सारे आपको पी डी एफ भी सेंड कर दिए है तो so वो पी डी एफ को डाउनलोड कर ले और वो पी के एफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहे ताकि मार्जिनल कॉस्टिंग के जो भी बेसिक्स है मार्जिनल कॉस्टिंग के जो भी वराइटीज है सारे वराइटीज हमने कवर अप कर लिए अब उसके आगे के प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सॉल्व करके उस चैप्टर के ऊपर ग्रिप पा सकोगे सो नाव वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड टॉपिक एंड द सेकेंड टॉपिक इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दिस चैप्टर इज ऑल्सो फॉर्मूला बेस्ड तो इस चैप्टर में भी फार्मूलाज है तो फार्मूलाज को कैसे याद रखना है किस तरीके से फार्मूलाज पे आपको ध्यान देना है सारी चीज़ें हम सीखेंगे और मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि जिससे आपको फार्मूलाज बहट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप फार्मूलाज को ईजीली याद रख सकते बिकॉज फर्स्ट एंड द फोस्ट फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनी चैप्टर विच हैज़ फार्मूलाज इज़ दैट हाउ टू लर्न द फार्मूलाज तो कैसे हम फार्मूलाज को याद रखें सारी चीज़ें सीखेंगे अब हमारा चैप्टर नंबर टू है एंड दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो शुरू करते हैं आज का पार्ट चैप्टर टू कॉस्टिंग देखो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं स्टैंडर्ड का मतलब होता है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट स्टैंडर्ड का मतलब होता है प्रेडिक्टेड कॉस्ट हम एक कॉस्ट को प्रेडिक्ट करते हैं कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारा इतना कॉस्ट होगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें टेन के जी का मटेरियल लगेगा एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हम हमें दो लेबर्स लगेंगे ये हमने क्या किया दिस इज द प्रोडिक्शन विच वी आर मेकिंग एंड बाद में फिर हम ये देखते हैं कि एक्चुअल उस पर कितना मटेरियल लगा एक्चुअल उस पर कितने लेबर्स लगे और फिर हम इन दोनों स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं जिसे इस चैप्टर में वेरिएंस के बेसिस पे जाना जाता है दैट इज कॉल्ड मटेरियल वेरिएंसेस लेबर वेरिएंसेस that we are going to learn so the technique of standard costing has been developed to help the management in cost control ye jo standard costing ka jo technique hai wo q use kiya jata hai isse management apne cost ke upar control pa sake because if we are fixing a target if we are finding out क्या this will be my standard and we are comparing with the actual तभी तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या standard रखा था. हमने रखा था कि दस के जी मटीरियल लगेगा सो प्रोडक्शन सो यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए लेकिन जब हमने एक्चुअल देखा तब ट्वेंटी के जी मटेरियल्स लग रहा था तो इसीलिए ये जो डिफरेंसेस है या ये जो कॉस्ट के ऊपर कंपनी का खर्चा है तो एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की टेक्निक यूज की जाती है उसको अभी हम ध्यान से देखेंगे इट इज अ कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट एनालाइज द डिफरेंस विच इज कॉल्ड एज तो इस चैप्टर में वर्ड याद रखना बिकॉज इसमें बार बार हम जो वेरियंस ढूंढने वाले वराय के बेसिसंस करता है बट वेरियंस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो बेसिकली वी आर डूइंगी आर कंपेरिंग वी आर डूंग स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड दॉ एंड वॉट एवर डिफरेंसिस आर कमिंग और वॉट एवर डेवियशंस आर कमिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट के बेसिस पे जाने तो दिस इज कॉल्ड एज डेविएशंस तो अगर जो भी डेवियेशंस आएंगे जो भी हमारे डिफरेंसेस आएंगे उसे हम इस चैप्टर में वेरियंस के नाम से जानेंगे जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो है टेन और हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है ट्वेल्व तो ये जो दो रुपये का डिफरेंस आया है ये डिफरेंस को इस चैप्टर में हम क्या कहते हैं डिफरेंस को इस चैप्टर में हम कहते हैं वेरियंसिस तो दैट इज द पॉइंट वी हैव टू लर्न फर्दर दर लेटर्स मूव नाउ अभी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमें पढ़ने हैं मटीरियल प्राइज वेरियंसिस के तो सबसे पहले हम मटीरियल प्राइज वेरियंस के फार्मूला पढ़ेंगे इसमें टीवाई और एम कॉम का एक कंबाइंड वीडियो है तो मैं आपको बताऊंगा इनमें से टीवाई के लिए कौन से फॉर्मूलाज है और इसके साथ एम कॉम अगर आप कर रहे हो तो एम कॉम पार्ट वन में जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है उसमें कौन से विल बी लर्निंग दैट इन मच डिटेल नाउ द फर्स्ट फॉर्मूलाजर्निंग इज मटीरियल प्राइस वेरियंस जिसका शॉर्ट फॉर्म है एमपीवी मटीरियल प्राइस वेरियंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यहां पे शॉर्टकट का भी फॉर्मूला लिखा है एमपीवी इक्वल टू एस पी माइनस ए पी इन ए क्यू बाद में एक तरीका बताता हूँ कि कैसे आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं वरना इनको अगर फॉर्मूलाज को बाहै करने जाए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न और थोड़ा सा भी फॉर्मूला इधर उधर चलेगा दैट विल बी रॉन्ग कैलकुलेशन एंड विच विल बी द पॉइंट यू विल बी लूजिंग द मार्क्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन सो दैट इज वाई वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द कंसेप्ट हाउ टू लर्न दिस फॉर्मूला वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ क्वेश्चन दो पॉइंट नंबर सेकंड है दैट इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम फॉर्मूला है उसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड प्राइस अगर हम शॉर्टकट देखें तो एम यू वी दैट इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी देन द इज ऑफ मटीरियल कॉस्ट वेरियंस एम सी वी एमसी वी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वाटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस एम सी वी इक्वल टू एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं जो भी हमारा एम सी वी का आंसर आएगा एम सी वी का आंसर कैसे मिलता है हमको एम पी वी का और एम यू वी का इन दोनों को अगर आप ऐड कर लोगे तो आपको एम सी वी का आंसर मिलेगा दैट इज द वेरीफिकेशन प्रोसीजर बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू लर्न बिकॉज वॉट एवर आर द फॉर्मूलाज इफ आई एम रीडिंग द सेम फार्मूलाज तो फिर आप कहेंगे कि सर जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है वही हम पढ़ रहे हैं तो हमें कैसे याद रखने हैं ये फॉर्मूलाज़ वो ट्रिक तो बताइए तो ट्रिक बताता हूँ किस तरीके से आपको इन फॉर्मूलाज़ को याद रखना है ठीक है तो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट तो सबसे पहले हम मटीरियल के वेरियंसिस सीखेंगे फिर मैं इसी में आपको लेबर के भी वेरियंसेस बताता हूँ मटीरियल वेरियंसेज फॉर्मूला है एम पी वी एम पी वी इज वॉट मटीरियल प्राइस वेरियंस देखो कैसे याद रखना है ये यहाँ पे पी है पी से होता है प्राइस तो आपका बनेगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय बाहर लेना है आपको एक्चुअल क्वांटिटी इट्स वेरी सिंपल अगर हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस कर रहे हैं तो ब्रैकेट में प्राइस ही आएगा नंबर सेकंड है मटेरियल यूसेज वेरिएंस यूसेज का मतलब होता है क्वांटिटी ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ब्रैकेट में हम क्वांटिटी लेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस ठीक है तो ये सिंपल फॉर्मूला हुआ मटेरियल यूसेज वेरिएंस नेक्स्ट इज मटीरियल कॉस्ट वेरियंस देखो मटीरियल कॉस्ट वेरियंस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मटीरियल यूसेज एंड मटीरियल प्राइस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है अब देखो ये कैसे करता हूं स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस ठीक है ये हमारे मटेरियल वेरिएंसेस हुए अगर आप टीवाई के स्टूडेंट हो तो आपको ये तीन ही वेरियंसेस है मटीरियल प्राइस मटीरियल यूसेज मटीरियल कॉस्ट अगर आप एम के स्टूडेंट हो तो आपको और दो वेरियंस एड होंगे मटीरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल ईल्ड वेरिएंस उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि ईल्ड और मिक्स में क्या क्या चीजें आती है अब दूसरे टाइप के जो वेरियंसिस है वो है आपके लेबर वेरियंसेस अब आप कहेंगे सर अभी तो हमने तीन फार्मूलाज याद रखे और हमें तीन फार्मूलाज याद रखने हैं तो किस तरीके से याद रखना है बताता हूँ काफी इंपॉर्टेंट देखो लेबर वेरियंसिस में आपको क्या करना है मटीरियल वेरियंसिस के ही फार्मूला है जहाँ पे पी लिखा है उसको हम आर लिख देंगे जहाँ पे भी p लिखा है मतलब ये p है दैट p विल बी सब्स्टिट्यूटेड विद r सिमिलरली अलग कलर से लिखते ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए p विल बी सब्स्टिट्यूटेड विद r और जहाँ पे हमने q लिखा है q विल बी सब्स्टिट्यूटेड विद h ठीक है r का मतलब होता है रेट और h का मतलब होता है r क्योंकि लेबर में हम लोग rस ढूंढेंगे अभी पहला है लेबर रेट वेरिएंस देखो लेबर रेट वेरिएंस क्या है फॉर्मूला, sp लिखा है तो यहां लिखेंगे हम एस आर रेट माइनस ए आर दैट इज एक्चुअल रेट क्यू लिखा है क्यू के जगह पे ए एच क्यू के जगह पे क्या लिखना है आपको क्यू के जगह पे एच लिखना है पी के जगह पे आर लिखना है यही फॉर्मूला से तो फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कैसे करने हैं वो ध्यान से समझना लेबर रेट के बाद आता है लेबर एफिशंसी वेरियंस तो यही फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ सिर्फ नाम चेंज करेंगे एस एच माइनस ए एच एस एच इज स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट देन द नेक्स्ट पॉइंट इज लेबर कॉस्ट वेरियंस सेम फॉर्मूला मल्टीप्लीकेशन एस एच मल्टीप्लाइड बाय एस आर स्टैंडर्ड आर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल रेट इसमें भी अगर आप टी वाई के स्टूडेंट हो तो ये तीन ही फार्मूलाज हैं अगर आप एम कॉम के स्टूडेंट हो तो लेबर मिक्स वेरियंस भी आएगा और लेबर ईल्ड वेरियंट भी आपको एक्स्ट्रा आएगा वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे तो दिस इज दी फॉर्मूलाज दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिमेंबर सो वेरी सिंपल ओनली थ्री फार्मूलाज से मैंने और थ्री फार्मूलाज को कंस्ट्रक्ट कर लिया है आई होप की दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू आगे बढ़ते हैं तो मटीरियल के पॉइंट्स हमने देख लिए अभी मटीरियल मिक्स वेरियंट सीखते हैं मटीरियल मिक्स वेरियंस एंड मटीरियल ईल्ड वेरियंस दिस टू फार्मूलाज आर एक्स्ट्रा फॉर एम कॉम तो पहले के तीन तो रहेंगे ही और ये दोनों एम कॉम के लिए एक्स्ट्रा है अगर आप टी वाई के स्टूडेंट हो तो ये दोनों आपके लिए नहीं है मटीरियल मिक्स वेरियंस मटीरियल मिक्स वेरियंस कैसे ढूंढे रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस ठीक है price, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसको हम सीखेंगे आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी आरएस क्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कैलकुलेट करना हाँ सीख लेंगे इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आरएस क्यू तो आर एस क्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है आर एस क्यू इक्वल टू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को अगर हम डिवाइड करेंगे टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी से और मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रेस्पेक्टिव मटेरियल तो आपको आंसर मिल जाएगा ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको ओवरऑल प्रॉपरली एक्सप्लेन करवाऊंगा कि किस तरीके से आर एस क्यू का कैलकुलेशन होता है सिमिलरली लेबर के फॉर्मूला से लेबर वेरिएंसेस में हमने शॉर्टकट क्या सीखा एक भी फॉर्मूला बाहट मत करो मटीरियल में जहा पे हमने पी लिखा है पी निकाल के आर लिख देना मतलब प्राइस के जगह पे रेट आ जाएगा और जहाँ पे मटीरियल्स में हमने Q लिखा है Q के जगह पे हमको H लिखना है दैट इज स्टैंडर्ड आरस तो लेबर रेट वेरिएंस देखो एस आर माइनस ए आर इंटू ए एच अभी मैंने फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस सिमिलर एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर लेबर कॉस्ट वेरिएंस इट्स अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉइंट्स एंड सिमिलरली यहाँ पे भी हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं एल सी वी जो आएगा एल सी वी कैसे मिलता है एल आर वी प्लस एलईवी एल आर वी और एलईवी को अगर आप ऐड कर लोगे तो आपको एल सी वी का आंसर मिल जाएगा दैट इज सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज आई होप की दिस ट्रिक विल बी वेरी इजी टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज और ये ट्रिक का आप यूज करके फॉर्मूलाज को याद रख सकोगे तो लेबर के कुछ मिक्स uh, और इल्ड के भी फॉर्मूलाज है सिमिलर लेबर मिक्स वेरियंस रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स इन स्टैंडर्ड रेट और लेबर ईल्ड वेरिएंस स्टैंडर्ड आर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट तो थोड़े से कैलकुलेटिव है लेबर ईल्ड वेरिएंस में थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेबर मिक्स वेरिएंस में थोड़ा सा कैलकुलेशन है अगेन अगर आप एमकॉम के स्टूडेंट हो तो आपको ये दो वेरियंसिस एक्स्ट्रा है पहले के तीन जो तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं और ये दो एक्स्ट्रा वो मटीरियल मिक्स में और मटीरियल ईल्ड में थोड़ा कैलकुलेशन सिमिलरली लेबर मिक्स में और लेबर ईल्ड में थोड़ा कैलकुलेशन वो धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे आपको इसके क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवाऊंगा किस तरीके से आपको इसमें याद रखना है इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे इस चैप्टर में हम बजट बनाना सीखेंगे कि कंपनी अपना बजट किस तरीके से प्रिपेयर करना करता है और आपको इसमें क्या क्या चीजों के ऊपर ध्यान देना है सबसे पहले हम लर्निंग आउटकम्स देखते हैं कि आफ्टर स्टडिंग द टॉपिक और आफ्टर लर्निंग द कंसेप्ट फ्रॉम दिस चैप्टर व्हाट ऑल पॉइंट्स आर गोइंग टू लर्न देयर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ बजट तो हम लोग पहले सबसे पहले बजट का कंसेप्ट सीखेंगे देन विल बी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल वी विल भी हैविंग द डिफरेंस बिटवीन बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल एंड विल ऑल्सो हैविंग डिस्कशंस ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स तो क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे सबसे पहली चीज़ वॉट इज बजट अगर मैं आपको पूछूं कि बजट क्या है डेफिनेशन तो दूर की बात है डेफिनेशन तो बुक्स में दिए होते हैं सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर बजट क्या है देखो बजट क्या होता है हम एक प्रेडिक्शन करते हैं कि हमारे पास इतने इतने पैसे हैं और हमारे खर्चे या हमारा एक्सपेंडिचर इतना होगा दैट मीन्स इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज एंटीसीपेटेड एक्सपेंसेस एंड एंटीसीपेटेड इनकम्स तो वॉट इज अवर एंटीसिपेटेड इनकम्स एंड वॉट विल बी अवर एंटीसिपेटेड एक्सपेंसिस अगेंस्ट दैट दैट विल बी शोन आप देखते होंगे हर ईयर फेब्रुआरी मंथ में गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करता है रेलवे बजट हो फाइनेंस बजट हो उसमें क्या होता है गवर्नमेंट का जो ओवरऑल इनकम सोर्स है या गवर्नमेंट का जितना भी रेवेन्यू है उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट कितना खर्चा करने वाला है वो सारी चीजें होती है बट यहाँ पे हम कंपनी पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने वाले हैं सो बजट क्या है बजट इज द मॉनिटरी और क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस प्लांस इट इज क्वांटिटेटिव बिकॉज इट इज रिलेटेड विद नंबर्स दस करोड़ पचास करोड़ तीस करोड़ इतने हमारे नंबर से रिलेटेड प्रेजेंटेशन यहाँ पे होगा दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस प्लान्स एंड पॉलिसीज टू बी परस्यूड इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम तो व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस दी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव इन द फ्यूचर व्हाट काइंड ऑफ टारगेट्स ऑर्गेनाइजेशन हेज सेट फॉर द फ्यूचर ऑल दोज पॉइंट्स वी विल रिक्वायर मनी और उसका एक बजट बनाना काफ़ी ज़रूरी रहेगा तो बहुत सारे बजट्स होते हैं वैसे लेकिन उनमें से कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट थोड़े से इम्पॉर्टेंट है आपके एम कॉम लेवल पे बिकॉज उसी दो बजट्स के ऊपर बार बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस डेफिनेशन ऑफ बजट तो एज पर आईसीएमए लंडन के बेसिस पे डेफिनेशन है बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड प्रायर टू अ प्री डिटरमाइंड पीरियड बजट हमेशा हम जो एक्टिविटी है उसके पहले बनाएंगे बजट एक्टिविटी होने के बाद नहीं बनाया जाता कोई टारगेट को अगर अचीव करना है उस टारगेट को अचीव करने से पहले बजट बनाया जाएगा फिर उस बजट के बेसिस पे हम उस टारगेट को अचीव करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेंगे तो बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज इट इज डीलिंग विद मनी प्रिपेर्ड प्रायर टू अ प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम ऑफ द पॉलिसी टू बी परस्यूव ड्यूरिंग दैट पीरियड फॉर द पर्पज ऑफ अटेनिंग अ गिवन ऑब्जेक्टिव तो फॉर अटेनिंग एन ऑब्जेक्टिव वी आर गोइंग टू सेट द बजट

बजट का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं विच इज कॉल्ड एज बजेटिंग अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस विच इंक्लूड्स प्रिपेरेशन ऑफ बजट 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 कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड ऑल एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड विद द बजट देखो बजट एक छोटा सा कंसेप्ट है और बजेटिंग एक बड़ा कंसेप्ट है बजेटिंग के अंदर ही बजट आता है और बजेटिंग क्या है एक मैनेजमेंट प्रोसेस है तो जिसमें हम बजट बनाना बजट को कंट्रोल करना बजट का कोऑर्डिनेशन करना ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे तो ऑल दिस एक्टिविटीज विल बी रिलेटेड विद द बजटिंग सो दैट ऑल पॉइंट्स आर बीन कवर्ड अंडर बजटिंग मतलब बजट बनाने से लेके उसको कोऑर्डिनेट करने से लेके उसके पॉइंट्स को ध्यान में रखने से लेके सारी चीज़ें अगर ध्यान दें तो सारी चीज़ें हमें किस में कवर अप होगी दैट विल बी कवर्ड इन द कंसेप्ट ऑफ बजेटिंग दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बजेटिंग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कंट्रोल। तो बजेटरी कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इट इज एन इंपॉर्टेंट प्री प्रिपेयर्ड बजट एंड देयर आफ्टर द लाइट ऑफ बजट एस्टिमेट बेसिकली वी आर गोइंग टू अ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड फिक्स बजट एंड वी विल बी कंपेयरिंग द द विद हमने देखो बजट एक प्रडिक्शन है बजट एक फोरकास्टिंग है हमने फोरकास्टिंग किया था कि इतना इतना हमारा रेवेन्यू होगा इतना इतना हमारे एक्सपेंसेस होगा लेकिन उसको जब हम हमारे एक्चुअल रेवेन्यू या एक्चुअल एक्सपेंसेस के साथ मैच करने जाएंगे तो फिर वो रिजल्ट्स जो आएंगे उसको फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि हमने कितना सोचा था कितना एक्सपेंसेस हुआ हमने कितना सोचा था कम हुआ कि ज्यादा हुआ ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान दिया जा जाएगा दैट इज कॉल्ड बजटरी कंट्रोल तो सर्टन काइंड ऑफ नेसेसरी स्टेप्स आर बीन टेकन इन बजेटरी कंट्रोल फर्दर आगे बढ़ते हैं डिफरेंस इन बजट बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल तीन चीजें हमने पढ़ ली वी हैव स्टडीड बजट

तो ध्यान से कंफ्यूज मत हो जाना सभी में बजट 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 तीन बार बजट बजटिंग बजटरी कंट्रोल है देखो बजट क्या है हम बिजनेस के एस्टीमेट्स को फाइंड करेंगे बजटिंग क्या है बजटिंग एक प्रोसेस है जो हम फॉलो करेंगे और बजटरी कंट्रोल क्या है एक सिस्टम है जिससे हम परफॉर्मेंस को अचीव करेंगे दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द थ्री कंसेप्ट फर्दर बजट एंड बजटिंग आर पार्ट्स ऑफ प्लानिंग बजट budget और बजटिंग में हम किस पे ध्यान देते हैं हम प्लानिंग पे ध्यान देते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग पे ध्यान देते हैं और जो बजेटरी कंट्रोल है उसमें हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग के ऊपर ध्यान देते हैं कोऑर्डिनेशन कैसा है कंट्रोलिंग मतलब इवेल्युएशन का कंसेप्ट आ जाएगा तो बजटरी कंट्रोल में हम इवेल्युएशन के ऊपर फोकस करते हैं और बजट budget और बजटिंग में हम क्या करते हैं प्लानिंग के ऊपर ध्यान देते हैं फर्दर आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स देखेंगे कि बहुत सारे टाइप के बजट्स बनाए जाते हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड वी हैव लॉन्ग टर्म बजट करंट बजट एंड शॉर्ट टर्म बजट तो पीरियड के बेसिस पे पहला बाइफर्केशन तीन टाइप के बजट्स बनाए जाएंगे नंबर वन इज लॉन्ग टर्म बजट नंबर सेकेंड इज करंट बजट एंड नंबर थर्ड इज शॉर्ट टर्म बजट सेकेंड जो है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी

जो आपके एग्जाम से रिलेटेड एक जो बेसिक चीजें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो हम सारी चीजें इसमें डिस्कस कर लेंगे देखो अगर मैनेजरल डिसीजन की बात करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन का सुप्रीम गोल क्या है इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मेजर गोल व्हाट इज द मेजर टारगेट ऑफ द मैनेजमेंट तो सबसे सिंपल चीज़ है, आप भी बता पाएंगे मैनेजमेंट का एक ही और एक ही इंपॉर्टेंट गोल है या टारगेट है वो है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए बेसिकली uh, बहुत सारे मेजर डिसीशंस लिए जाते हैं मैनेजरियल लेवल पे तो वही इस चैप्टर में पढ़ना है हमें कि कंपनी विल हैव थ्री अल्टरनेटिव्स फोर अल्टरनेटिव्स एंड अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव्स दी कंपनी इज हैविंग विच विल बी अल्टरनेटिव फॉर द कंपनी हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है एंड मार्जिनल कॉस्टिंग जो आपका चैप्टर था जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है वो इस चैप्टर का एक थोड़ा सा बेसिक चैप्टर से रिलेटेड मार्जिनल कॉस्टिंग के जो बेसिक्स है वही यहाँ पे यूज किए जाएंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक इफेक्टिव टेक्निक माना गया है और इन दैन इन द पार्ट रिलेटेड टू मेकिंग सेवरल पॉलिसी डिसीशंस जैसे कि प्रोडक्ट मिक्स के बारे में स्पेशल ऑफर्स के बारे में एक्सेट्रा तो ऐसे केस में मैनेजरल डिसीशंस कैसे लेना है मैनेजरल डिसीशंस में क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं वो सारी चीजें इस चैप्टर में दी गई है तो अगर हम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव सम काइंड ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन यूजअली एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस चैप्टर तो ज्यादा लेवल्स नहीं है इसमें जो जो चीजें आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं आपको इस पूरे कोर्स में बताने वाला हूँ लेट अस सी द क्वेश्चन विच कैन बी आस्क इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है आपके सामने ABC प्रोवाइड्स सी द फॉलोइंग डिटेल्स सेल्स टेन रुपीज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है आपका सेवन लैक्स सेल्स का अमाउंट यहाँ पे मैं या नहीं सेल्स का अमाउंट भी है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ जब आप पी डाउनलोड कर लेंगे तो आ जाएगा सेल्स है यहाँ पे टेन लैक्स ठीक है टेन लैक्स की ये अमाउंट दी है आपको और टेन रुपीज पर यूनिट जिसका वैल्यू है वेरिएबल कॉस्ट इज सेवन लैक्स फिक्स कॉस्ट इज टू लैक्स प्रॉफिट इज वन लैक्स तो इफ यू सी द पॉइंट बेसिकली ये मार्जिनल कॉस्टिंग जैसा ही दिखने में दिखता है लेकिन जितना पैराग्राफ दिया रहता है पैराग्राफ से हम कंफ्यूज हो जाते हैं सो मार्केटिंग मैनेजर हैज अ प्रपोजल दैट इफ सेलिंग प्राइस इज रेड्यूस बाई टेन परसेंट मार्केटिंग मैनेजर के पास एक प्रपोजल है तो पहला हमारा जो नॉर्मल प्रेजेंट प्रपोजल था वो तो मैंने आपको ऊपर बता दिया मार्केटिंग मैनेजर का क्या प्रपोजल है अगर सेलिंग प्राइस दस परसेंट से कम हो जाएगी तो क्वांटिटी सोल्ड जो है वो पच्चीस परसेंट से बढ़ जाएगी इफ़ द सेलिंग प्राइस इज दिया है यहाँ पर इफ द सेलिंग प्राइस इज रेड्यूज बाई टेन परसेंट देन द क्वान्टिटी सोल्ड विल गो अपनी फाइव परसेंट फिर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट कहता है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट से इज दैट सेलिंग प्राइस शुड बीज बाई टेन परसेंट कॉस्टिंग डिपार्टमेंट कहता है सेलिंग प्राइस जो है वो टेन परसेंट से बढ़ना चाहिए और सेलिंग प्राइस क्या करेगा टेन परसेंट से बढ़ना चाहिए फिर मार्केटिंग मैनेजर क्या कहता है मार्केटिंग मैनेजर मैनेजर फर्दर प्रोवाइड सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय टेन परसेंट द क्वांटिटी सोल्ड विल फॉल बाय ट्वेंटी परसेंट ठीक है ये मार्केटिंग मैनेजर नहीं यहाँ पे कॉस्टिंग मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर ने ऊपर बता दिया है थोड़ा सा स्लाइट एरर है चलते तो मार्केटिंग मैनेजर ने ऊपर बता दिया कि टेन परसेंट से अगर सेलिंग प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सोल्ड जो है वो पच्चीस परसेंट से बढ़ जाएगी कॉस्टिंग डिपार्टमेंट कहता है कि अगर टेन परसेंट सेलिंग प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सोल्ड जो है वो बीस परसेंट से कम हो जाएगी फिर आपको क्या करना है आपको सजेस्ट करना है वेदर सेलिंग प्राइस इंक्रीज होना चाहिए सेलिंग प्राइस रिड्यूस होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस अनचेंज होना चाहिए हम अभी इसको फॉर्मेटिंग करते हैं देखो किस तरीके से इसको करना है सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल लिखते हैं देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट शोइंग मार्जिनल कॉस्ट ठीक है स्टेटमेंट शोइंग मार्जिनल कॉस्ट सबसे पहले ये जो रुपीस और पर यूनिट का कॉलम है ये हमारा प्रेजेंट का कॉलम है ताकि आपको पता चले हम किस कॉलम में सॉल्व कर रहे हैं तो सेकेंड कॉलम है हमारा दैट इज मार्केटिंग मैनेजर का कॉलम है ये मार्केटिंग मैनेजर जो बोल रहा है वो हम यहाँ करेंगे और जो थर्ड कॉलम है हमारा दैट इज कॉस्टिंग का कॉलम कॉस्ट वाला जो बोल रहा है वो है ठीक है अभी अगर हम ध्यान से देखें फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं देखो टेन लैक्स हमारा ओवरऑल अमाउंट मैंने आपको यहाँ लिखवाया सेलिंग प्राइस है अगर हम को से डिवाइड करेंगे तो हमें यूनिट्स का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा ठीक है यहाँ पे हम लिखेंगे वन ताकि आपको सिंपल चीज में पता चले क्या क्या हम कर रहे हैं देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट टेन दिया है और अमाउंट मैंने अभी आपको लिखवाया था दैट इज फिर वेरिएबल कॉस्ट आपको कितना दिया है वेरिएबल कॉस्ट आपको सेवन लैक्स दिया है तो मैं सिंपल चीज जो जो दिया है वो लिख रहा हूँ सेवन लैक्स को हम वन लैक्स से डिवाइड करेंगे तो हमें पर यूनिट मिलेगा सेवन कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा फिर टेन लैक्स में से अगर से हम सेवन लैक्स माइनस करेंगे तो वी विल गेट द कॉन्ट्रीब्यूशन एज थ्री लैक्स तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा थ्री लैक्स टेन माइनस सेवन तो यूल गेट द आंसर एज थ्री फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज टू लैक्स तो हम अभी टू लैक्स को अगर वन लैक्स से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे पर यूनिट मिलेगा टू टू लैक्स ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन ठीक है टेन परसेंट uh, से कम होगा ठीक है सेलिंग प्राइस टेन परसेंट से कम होगा तो आपकी जो क्वांटिटी है वो पच्चीस परसेंट से बढ़ेगी ऐसा उन्होंने कहा कॉस्टिंग डिपार्टमेंट क्या कहता है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट कहता है सेलिंग प्राइस जो है आपकी टेन परसेंट से बढ़ेगी सेलिंग प्राइस टेन परसेंट से बढ़ेगी तो क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी बीस परसेंट से कम हो जाएगी अभी हम करेंगे एक एक पॉइंट ध्यान से समझ ठीक है कैसे करना है अभी सेलिंग प्राइस टेन परसेंट से कम होगी क्वांटिटी जो है पच्चीस परसेंट से बढ़ेगी तो पहले की क्वांटिटी कितनी थी एक लाख ,00 थी पच्चीस से बढ़ेगी तो यहां पे मैं लिख लेता हूँ एक लाख पच्चीस हो जाएगी ठीक है यहां पे बोल रहा है क्वांटिटी जो है ट्वेंटी परसेंट से कम होगी तो पहले वन लाख थी ट्वेंटी परसेंट से कम होगी तो यहाँ पे कितनी होगी क्वांटिटी एट्टी थाउजेंड यूनिट्स की क्वांटिटी होगी अब सेलिंग प्राइस टेन परसेंट से कम हो रहा है तो टेन पहले था अगर टेन परसेंट से कम होगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा नाइन बन जाएगा फिर नाइन को हमें मल्टीप्लाई करना है वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से यहाँ था पे आएगा इलेवन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड काफी सिंपल है एक बार एक बार कैलकुलेशन आपने सही कर लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला सेम लेंगे सेवन लेकिन अमाउंट चेंज होगा सेवन मल्टीप्लाइड बाई वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी एट लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड फिर नाइन माइनस सेवन करेंगे तो टू आ जाएगा यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो दो लाख पचास हज़ार आ जाएगा देट विल बी थाउजेंड फिर फिक्स कॉस्ट जो है हमारी फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता फिक्स कॉस्ट हमेशा रहता है तो टू लैक्स यहाँ पर आ जाएगा टू लैख फिफ्टी में से टू लैक गया तो यहाँ पे फिफ्टी थाउजेंड का यहाँ पे प्रॉफिट रहा है यहाँ पे मैंने यहाँ पे थ्री माइनस टू वन 2 को अगर हम वन लैख ट्वेंटी फाइव से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका पर यूनिट वन पॉइंट सिक्स आएगा फिर टू माइनस वन पॉइंट सिक्स करेंगे तो यहाँ पे आपको जीरो पॉइंट फोर आ जाएगा तो दैट इज द कैलकुलेशन वी हैव डन काफी सिंपल है अब हम कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में जाते हैं कॉस्टिंग डिपार्टमेंट बोलता है सेलिंग प्राइस दस से बढ़ेगा और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ट्वेंटी परसेंट से कम होगा तो इसलिए मैंने क्वांटिटी डिमांडेड जो है क्वांटिटी को ट्वेंटी परसेंट से कम कर दिया तो एट्टी थाउजेंड

20 का करेंगे, तो 2 3 ,20 में से टू लैक्स गया तो यहाँ पे आ जाएगा आपको वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड फोर में से टू पॉइंट फाइव गया तो यहाँ पे आपको आ जाएगा वन पॉइंट ठीक है काफी सिंपल है अब हम ध्यान से देखेंगे देखो प्रेजेंट में प्रॉफिट था वन लैख मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कहना था कि सेलिंग प्राइस को 10 परसेंट से कम कर दो और क्वांटिटी को 25 परसेंट से बढ़ा दो तो प्रॉफिट कितना होगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कहना माना तो कितना प्रॉफिट होगा 50,000 अगर हम कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का कहना मानेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा वन लैख ट्वेंटी तो कोई भी बता सकता है मैं अगर आपको पूछू इसका कहना मानना चाहिए वेदर टू गो विद मार्केटिंग डिपार्टमेंट और वेदर टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑफ कॉस्टिंग डिपार्टमेंट आप कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कहना मानेंगे तो पचास हजार का प्रॉफिट होगा कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की राय मानेंगे तो वन लाख ट्वेंटी होगा तो हम तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की राय मानेंगे बराबर है वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड का ही हमको प्रॉफिट होना चाहिए इसकी राय माननी चाहिए कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की बस यही आपको अभी कंक्लूजन में लिखना है क्या लिखना है कंक्लूजन में यही चीज लिखनी है जो हमने अभी डिस्कस की कंक्लूजन ये मैनेजरल डिसीजन में कंक्लूजन लिखना पड़ता है ठीक है क्या लिखेंगे हम सिंस द प्रॉफिट ऑफ कॉस्टिंग डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट कॉस्टिंग डिपार्टमेंट इज हाइयर बाय रुपीस ट्वेंटी थाउजेंड क्यू ट्वेंटी थाउजेंड पहले वन लाख का प्रॉफिट होता था अभी कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का कहना मानेंगे तो बीस हजार से प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो अल्टरनेटिव सेलिंग प्राइस शुड इंक्रीज सेलिंग प्राइस इंक्रीज बोलता है ना वो सेलिंग प्राइस शुड इंक्रीज बाय टेन परसेंट एंड क्वांटिटी शुड Decrease by 20 should be यही आपको कंक्लूजन में लिखना है वेलकम बैक टू द्यू लेक्चर न्यू टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड दैट इज दस्टिंग सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड दार्ट रिलेटेड विथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग एंड वी हैव ऑल्सो सीन अबाउट द बजट So, दो टाइप के बजट्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है एक है हमारा फ्लेक्सिबल बजट और दूसरा है हमारा कैश बजट तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं थियोरोटिकल बेस भी पूछा जा सकता है तो अगर आप एमसीक्यूज बेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एमसीक्यूज के भी काफी सारे पॉइंट्स मैंने उसमें कवर अप करवा दिए हैं टू तो वी कैन सी फ्रॉम दैट नाउ दिस टॉपिक द ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है बेसिकली एक मेथड है यूज किया जाता है सर्विस सेक्टर में सर्विस इंडस्ट्रीज जो होती है इंडस्ट्रीज सच सर्विस ट्रांसपोर्ट सच एज होटल इंडस्ट्री हॉस्पिटल्स सो ऑल दिस इंडस्ट्रीज हाउ दे रिकॉर्ड हाउ दे कीप द ट्रैक ऑफ द एक्सपेंसेज ऑल दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर सो वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन रिलेटेड विद द ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेजर कंसेप्ट दी फॉर्मेट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं और ज्यादा करके ट्रांसपोर्ट का जो सेक्टर है ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड पॉइंट पे बहुत सारे बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो वो सारी चीजें हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आपके लिए पूरा का पूरा नया टॉपिक है इन दी एम कॉम बिकॉज दिस टॉपिक यू हैव नॉट लर्न प्रीवियसली तो देखते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है इट an so, लेकिन ऑपरेटिंग बेसिकली सर्विसेज रिलेटेड पार्ट्स में डील करता है सो so, जहां पे सर्विस दिया जाता है जैसे कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है होटल इंडस्ट्री है हॉस्पिटल इंडस्ट्री है और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो क्या डिनोट करता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिनोट करता है जो जो वो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री में जितने टाइप के कॉस्ट है वो हमें इस पूरे बेसिस पे कैलकुलेट करने पड़ते हैं जैसे कि अगर हम होटल की बात करें तो होटल में आ, कितने रूम है कितना सैलरी स्टाफ को दिया जाता है कितने रूम डेज के बेसिस पे रूम अवेलेबल होते हैं वो सारी चीज़ों के ऊपर ऑपरेटिंग उपर कॉस्टिंग डील करता है तो बेसिकली वो आपको ध्यान रखना है रिलेटेड टू द पॉइंट्स तो ये है हमारा सिंपल मीनिंग अगर हम बात करें अभी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की सो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज पॉइंट रिलेटेड विद द वेरियस स्टेप्स ऑफ सर्विसेज एंड यूजुअली वी आर हैविंग एन नंबर ऑफ सर्विसेज बट बेसिकली वी आर मोर फोकसिंग ऑन द एग्जाम फैक्टर की एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो अगर हम ट्रांसपोर्ट कंपनी की बात करें तो देखो आपको इसमें तीन कॉलम्स दिख रहे हैं वी हैव पर्टिकुलर्स वी हैव टोटल कॉस्ट एंड वी हैव कॉस्ट पर यूनिट तो हाउ टू प्रिपेयर दिस हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट्स दैट इज द सेकेंडरी पॉइंट वो धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे आपको पता चलेगा बेसिकली अगर हम ट्रांसपोर्ट कंपनी uh, की बात करें तो ट्रांसपोर्ट कंपनी में जो ट्रक होता है बस होता है इसमें कैसा है कि एक ट्रक रहेगा एक एरिया से दूसरे एरिया में जाता है जाते वक्त कितना लोडेड था आते वक्त एम्प्टी गया एम्प्टी आया तो बेसिकली इस तरीके से हमें इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिर एक बस होती है बस एक जगह से दूसरे जगह पे जाती है फिर वो जाते वक्त उसमें फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी से फुल होता है आते वक्त वो बस एम होती है उस केस में जो पैसेंजर्स अंदर बैठे हैं उनका फेयर कितना होगा वो कैलकुलेट करो इस तरीके से क्वेश्चन हमको इस चैप्टर में पूछे जाते हैं सो इफ यू सी अबाउट द ट्रांसपोर्ट कंपनी यहाँ पे दो टाइप के कॉस्ट है एक है हमारा स्टैंडिंग चार्जेस और दूसरा है हमारा रनिंग चार्जेस देखो अगर हम स्टैंडिंग चार्जेस की बात करें तो स्टैंडिंग चार्जेस एकदम सिंपल तरीका है समझने के लिए स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है आपका फिक्स कॉस्ट इसमें हम सारे के सारे फिक्स कॉस्ट को कवर अप करेंगे जैसे कि लाइसेंस फीस है इंश्योरेंस प्रीमियम है रोड टैक्स है गराज रेंट है ड्राइवर्स वेजेस है अटेंडेंट कम क्लीनर्स वेजेस है सैलरीज एंड वेजेस एंड अदर थ्रू दी अदर स्टाफ है तो इफ यू सी कहीं ना कहीं ये सारे एक्सपेंसेस क्या रिलेट करते हैं ये सारे एक्सपेंसेस जो है हमारे दैट इज रिलेटेड विद फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट को हम इस पार्ट में क्या नाम देने वाले हैं स्टैंडिंग चार्जेस तो स्टैंडिंग चार्जेस भी इसको कहा जाएगा या फिक्स कॉस्ट जो आप सिंपल तरीके से पहले पहले से पढ़ते आ रहे थे तो फिक्स कॉस्ट बोल सकते हैं या फिर स्टैंडिंग चार्जेस भी इसे हम बोल सकते हैं फिर हमें क्या करना है जितने भी हमारी फिक्स कॉस्ट थी उन सभी फिक्स कॉस्ट को लिखना है उस फिक्स कॉस्ट को लिखने के बाद वी हैव टू ऐड दैट एंड दैट विल बी द टोटल नेक्स्ट विल बी द रनिंग चार्जेस देखो रनिंग चार्जेस का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं रनिंग चार्जेस मतलब जितना हमारा जो व्हीकल है वो जितना चला है जितनी हमारी बस एक जगह से दूसरे जगह पे चली है उस बेसिस पे उस बेसिस पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट की अगर बात करें तो पेट्रोल और डीजल कॉस्ट जो है दैट इज ऑलवेज रिलेटेड विद योर रनिंग कॉस्ट तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस जितना बस चलेगा जितना ट्रांसपोर्ट का वेहीकल चलेगा एक जगह से दूसरे जगह जाएगा उतना ही उसका रिपेयर होगा उतना ही मेंटेनेंस होगा अगर हम फ्यूएल की बात करें डीजल की बात करें ग्रीस की बात करें ऑयलिंग की बात करें ये सारे चीजें जो है दैट इज रिलेटेड विद योर वेरिएबल कॉस्ट विथ इन शॉर्ट कॉल्ड एज द रनिंग चार्जेस तो इफ यू सी द पॉइंट ट्रांसपोर्ट कंपनी में दो टाइप के कॉस्ट होते हैं एक है हमारा फिक्स कॉस्ट और दूसरा है हमारा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को हम स्टैंडिंग चार्जेस कहते हैं एंड वेरिएबल कॉस्ट को हम रनिंग चार्जेस कहते हैं देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू डू व्हाट हमें सिर्फ बाद में सभी को ऐड करना है टोटल क्या क्या करेंगे हम टोटल पहले ए करेंगे फिक्स कॉस्ट फिर टोटल बी करेंगे वेरिएबल कॉस्ट उसके बेसिस पे भी बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं तो वो हम धीरे धीरे सीखेंगे कि, कि किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है तो दैट इज द सिंपल फॉर्मेट विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट कंपनी तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट कंपनी का फॉर्मेट है जो आपको ध्यान रखना है काफ़ी सिंपल है फिर हम कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट करना सीखेंगे अगले क्वेश्चन अगले जो वीडियोज आएंगे उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमें ट्रांसपोर्ट कंपनी के सम्स को सॉल्व करना है किस तरीके से आ, ये जो कॉस्ट पर यूनिट है इसका कैलकुलेशन होता है इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली बट यू शुड अंडरस्टैंड लेकिन इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत है बिकॉज जो सर्विस इंडस्ट्री होती है वो सर्विस इंडस्ट्री इसको यूज़ करती है तो so, यही हमारा फॉर्मेट है ट्रांसपोर्ट कंपनी से रिलेटेड और इसी को हमें यूज करके आगे जाना है और इसी के तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है सो so, अगर हम नेक्स्ट फॉर्मेट की बात करें तो नेक्स्ट फॉर्मेट है हमारा होटल इंडस्ट्री का ये दोनों के ऊपर ज़्यादा करके क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसी में हम ध्यान देंगे देखो होटल इंडस्ट्री में भी वैसा ही है फिक्स कॉस्ट एंड रनिंग चार्जेस तो फिक्स कॉस्ट जो है हमारा फिक्स कॉस्ट में ये सारी चीज़ें जैसे कि सैलरीज टू स्टाफ रिपेयर रीन्यूएशन डेप्रीसी इंटीरियर डेकोरेशन सनरीज द जनरल एक्सपेंसेस फिर लॉन्ड्री की कुछ कॉस्ट होगी फिर रेंट होगा रनिंग चार्जेस होगा वेरिएबल कॉस्ट है फिर पावर अटेंडी अटेंडेंट सैलरीज ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका आ जाएगा फिर नंबर ऑफ रूम डेज इसमें हम कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ रूम डेज तो दिए होंगे और उसके बेसिस पे हमको कॉस्ट पर रूम डे मिल जाएगा मतलब एक रूम में एक दिन का जो कॉस्ट है वो मिल जाएगा बिकॉज इस पूरे ईयर का जो भी होटल के रूम्स फिल होते हैं जहाँ पे लोग जाके रहते हैं तो होटल इंडस्ट्री को भी अगर, अगर अपना कॉस्टिंग कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है उनको उनके स्टेटमेंट में ये ढूंढना है कि एक रूम का हमारा एक दिन का खर्चा कितना होगा तो उस तरीके से ये जो चैप्टर है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग काफ़ी हेल्पफुल होता है इन सर्विस सेक्टर सो टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से कैलकुलेशन सीखेंगे तो हमने क्या सीखा है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट यूजअली वन इज फिक्स कॉस्ट एंड अदर इज वेरिएबल कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट को इस पूरे चैप्टर में हम क्या नाम देते हैं फिक्स कॉस्ट को हम स्टैंडिंग चार्जेस कहते हैं एंड वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट को हम रनिंग चार्जेस कहते हैं दैट इज सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड आई होप कि आपको आज का सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा ये सेशन से आपको कुछ सीखने मिला है आपका कुछ रिविजन हुआ है इफ़ यू लाइक दिस सेशन वीडियो को लाइक करना ना भूलें ऑल द बेस्ट फॉर यूर एग्जामिनेशन एंड आई होप कि आपको ये सेशन से आपके एम सी क्यू सॉल्व करने में काफी हेल्प हो टेलीग्राम चैनल है लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम उसको ज्वाइन करना ना भूले ताकि अगले, अगले अपडेट्स आपको प्रॉपरली मिले और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले बिकॉज अगले साल पार्ट टू में भी आपको इसी टाइप के वीडियोज इस चैनल पर मिलते रहेंगे थैंक यू वेरी मच Bye bye all of you. Take care. See you.